हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आज फिर आ चुका हूँ न्यू एडिटिंग के साथ, ठीक है। और गाइस, मैं दीपावली स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइस। और गाइस, ऐसे स्टेटस बनाना है अपने फ़ोटो या किसी भी फ़ोटो के साथ तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे स्टेटस बना सकते हैं। और गाइस, मैं छोटी सी भी छोटी स्टेटस या वीडियो में भी ना, अब क्या बोलते हैं, सेक इफेक्ट और बिट मार्क का दोनों का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके स्टेटस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और गाइस, अगर पहले आपके पास अलाइट मोशन है तो बिट मार्क और सेक इफेक्ट दोनों को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना। और अगर आपके पास पहले से अलाइट मोशन नहीं है तो अलाइट मोशन का भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से अलाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, ठीक गाइस। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमें अलाइट मोशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट कर देने के बाद नीचे में प्रोजेक्ट है, हमें प्रोजेक्ट को क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉन्ग बीट मार्क टेक्निकल PS 4050 और साइक इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों को हमें यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है और अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हमें सॉन्ग बीट मार्क में हमें चले जाना है, ठीक है, ये वाले में आ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पहले से देख सकते हैं, पहले से मैंने सारे सारे कंप्लीट कर दिया, ठीक है, लिख दिया हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये ग्रीन इफेक्ट्स है, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको अलाइट मोशन में, ठीक है, वीडियो में डाल लेना, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी खाली बिट मार्क हैं इन सभी में फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो फ़ोटो को कैसे ऐड करते हैं उसको भी मैं भी बताऊँगा इसमें, ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट में आ जाते हैं रिलिक्स के लास्ट वाले बिट मार्क में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद नीचे कॉर्नर पे प्लस है, प्लस को हमें क्लिक कर लेना है, फिर मीडिया में क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस फोल्डर में आपका फ़ोटो रहेगा उसमें चले जाना है हमें, ठीक है। तो गाइस, मैंने पहले से यहाँ पे आ रखी है, ठीक है, तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना है, तो फर्स्ट वाले फ़ोटो का हमें दीपावली वाली फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट है, ठीक है, उसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिल कंपोज द एरिया को हमें क्लिक कर देना है, ठीक है, फिर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये वाले बिट मार्क में आ जाना है, ठीक है, फिर इसको यहाँ तक लाना है, ठीक है, फ़ोटो को, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद अगले फ़ोटो को हमें ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए नीचे प्लस है, प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो आपका इमेज रहेगा उसको फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना है, फिर ठीक है। उसके बाद ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद फिर कंपोज एरिया क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर इसको अच्छे से एडजस्ट करना रहेगा जैसे भी, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर अगले बिट मार्क में आना है, फिर इसको फ़ोटो को पूरा अगले बिट मार्क तक लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस क्या बोलते हैं इसमें फ़ोटो लगेगा, ठीक है, तो फ़ोटो को ऐड करना है, तो नीचे प्लस से प्लस को क्लिक करना है, फिर मीडिया में क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगले इमेज को यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, फिर 3 डॉट को क्लिक कर देना है, फिर कंपोज एरिया को हमें क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, तो मूव एंड ट्रांसफर में चला जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जितना आपका रहेगा, ठीक है, जितना में आप रख सकते हैं, ठीक है, इमेज को उतने में रख लेना है, ठीक है। फिर इसको फ़ोटो को यहाँ तक पूरा अगले बिट मार्क तक लाना है, ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। मैंने इधर मैंने कंप्लीट कर रखा है तो मुझे आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है फिर बताता हूँ, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ से सिंपली से हमें बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद हमें सेक इफेक्ट में हमें चले जाना है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाले इमेज को हमें क्लिक करना है, ठीक है, ये इफेक्ट्स है, ठीक है। फिर इसको ए वाले को क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक कर लेना है, फिर 3 डॉट को क्लिक कर लेना है, फिर कंपोज नहीं सॉरी, फिर यहाँ पे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद हमें यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद हमें सॉन्ग बिट मार्क में फिर से हमें चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पर हम फोटो ऐड कर रहे हैं वहाँ पर चले जाना है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे हम फोटो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। फिर इफेक्ट्स को क्लिक कर लेना है, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया, फिर अगले फोटो में आ जाना है, फिर इसको क्लिक कर लेना है अगले फोटो को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे अगले फोटो क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है, हो गया। फिर अगले में आना है, फिर वैसे ही करना है, इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर ये भी हो गया, फिर अगले वाले में आ जाना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है। फिर अगले फोटो क्लिक कर लेना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर अगले फोटो में आ जाना है, फिर थ्री डॉट क्या बोलते हैं फोटो को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है गाइस। फिर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर कॉर्नर पर शेयर का बटन है, उसको हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे में एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को हमें क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है गाइस। तो गाइस आप समझ गए हैं कि हमें कैसे यहाँ पे वीडियो को एडिटिंग करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस फिर यहाँ से धीरे से एक्सपोर्ट होगा, थोड़ा लेट लेगा, बाकी जल्दी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही।